हेलो भाई, स्वागत है आपका क्रेजी ऑटो 360 में। तो आज हम आपके पास लाए मारुति सुजुकी अल्टो LXi 2006 मॉडल, जिसके अंदर 800 सीसी का इंजन आता है जो आपको देता है 47 NM का टॉर्क और 62 BHP की पावर। तो फ्रंट से इसमें यहाँ मारुति का लोगो मिलता है। इसकी ऐसी कुछ ग्रिल है, ऐसे इसके बेसिक से हेडलैम्प आते थे जिसके अंदर हेलोजन लाइट्स मिलती है। ये पार्किंग लाइट है, ये इंडिकेटर, बम्पर पे फॉग लैंप नहीं आते इसमें। तो फ्रंट से इसकी कुछ ऐसी लुक है। टाइम के साथ इसका कलर उड़ गया है, तो यहाँ इसके वाइपर मिलेंगे भाई। ये इसका वॉशर है और साइड से इसमें ऐसी कुछ लुक है। इसके अंदर आपको मिलते हैं अपोलो के टायर, जिसकी मैं आपको डायमेंशन बताऊँ तो है 145/70R 12 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर, और अपोलो का टायर है। साइड में आपको फेंडर पर इंडिकेटर मिलेगा। ये साइड मिरर ऐसे है, खाली एडजस्ट, अंदर से भी नहीं है। ऐसे कुछ उसकी खिड़की दिखती है साइड में से, जिसके अंदर आपको बेसिक सा हैंडल मिलेगा पकड़ने के लिए। यहाँ पर लॉक के लिए चाबी लगा लो। तो पीछे इसकी ऐसी कुछ आपको विंडो मिलती है। बैक प्रोफाइल इसकी ऐसी है, जिसमें आपको ये टेल लैंप मिलेंगे, सारे हेलोजन बल्ब है इसके अंदर। ये ब्रेक लाइट, बैक लाइट और ये नीचे इंडिकेटर। एल्टो की बैजिंग है LXi का, और ये पूरी इसकी बैक लुक है। काले बम्पर आते हैं इसमें, मारुति सुजुकी का लोगो गायब है। ऐसी कुछ इसकी की दिखती है, जिस पर मारुति की बैजिंग है। तो ये तो बात हो गई हमारी बाहर की प्रोफाइल की, अब बात करते हैं इसमें अंदर क्या क्या फीचर हमें मिलते हैं 2006 मॉडल के हिसाब से। और इसका जो एंटीना है वो आता है यहाँ, जो कि गायब हो चुका है। तो बात करते हैं अंदर की। तो अंदर की बात करें भैया, तो ऐसा इसका कुछ बेसिक सा डोर पैनल है, जिसमें यहाँ लॉक अनलॉक का ये है, जो मैनुअली हमें बाहर चाबी डाल करना पड़ेगा। ये डोर ओपनर, ये खिड़की खोलने के लिए थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे, और ये पकड़ के बंद करने के लिए। इसकी सीट फोर वे एडजस्टमेंट है, खाली आगे पीछे, और ये इसके अंदर आपको ये भी एडजस्टेबल मिल जाएगा हेड सपोर्ट के लिए। ये यहाँ इसका मिल जाएगा आपको फ्यूल लिड ओपनर। ये आपके इसके पेडल्स है, यहाँ से आपको खुलता है इसका इंजन। इंजन और दिखा दे आपको, तो ये है इसका मारुति अल्टो का 800 सीसी का इंजन। अगर एग्जैक्ट बताऊँ मैं तो 794 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, 12 वोल्ट मारुति की बैजिंग है यहाँ पे। इसमें बैटरी लगी हुई है, यहाँ इसका कूलेंट का है। इंजन की कंडीशन अभी बहुत बढ़िया है, इसकी एक नंबर कंडीशन है। यहाँ आपको इसमें फ्यूज़ बॉक्स मिलेगा, तो भाइयों ऐसा कुछ इसका बेसिक सा इंटीरियर दिखता है। तो ऐसा इसका कुछ बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है, जिसके अंदर खाली आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, ट्रिप, एक ट्रिप का ऑप्शन है खाली। ये चल चुकी है गाड़ी 116,356 किलोमीटर। ये इंडिकेटर की लाइट है यहाँ पे, फ्यूल इंडिकेटर है, और ये टेम्परेचर इंडिकेटर। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप यहाँ से पार्किंग लाइट्स ऑन कर सकते हो इसकी। ये इसका टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, हॉर्न दिखता है। ऐसा इसका कुछ हॉर्न है, यहाँ पे आपको इसके लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहीं से आप इंडिकेटर कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से इसके वाइपर कंट्रोल होते हैं। साइड में आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है। ये इसके एसी वेंट्स है, यहाँ पे सेंटर कंसोल इसका कुछ ऐसा दिखता है। उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस गाड़ी मानी जाती थी, जिसके अंदर एसी आता था। उस टाइम पे एसी होना ही बहुत बड़ी बात थी। इसके अंदर एसी है, JVC का इंफोटेनमेंट सिस्टम लग रहा है, जो कि चलता नहीं है, सिंगल डिन सिस्टम है। मारुति का लोगो यहाँ पे रखा हुआ है इसका, ये रहा मारुति सुजुकी का लोगो। यहाँ इसकी एस्ट्रे मिलेगी, और यहाँ इसका सिगरेट लाइटर का पोर्ट है, पर यहाँ पे कुछ लगी नहीं है। यहाँ इसके दो कप होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस है, और ये है इसका फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ इसके हैंड ब्रेक मिले, कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलता। ये इसका ग्लव बॉक्स है, जो कि अभी जुगाड़ करके बंद कर रखा है, यहाँ थोड़ी बहुत स्पेस है इसकी। सेम है इसी दूसरी तरफ का डोर पैनल है। ये इसका रियर व्यू मिरर है, यहाँ पे सनवाइजर मिल जाएंगे आपको, दूसरी तरफ का गायब है। ये इसकी लाइट है जो चलती है, और ये BJP का है। तो
तो अब चलते हैं इसकी पिछली सीट पे। पिछली सीट यहाँ पे बेसिक सी है पूरी, कोई आपको लेदर वेदर की फिनिश नहीं मिलती। यहाँ खाली डोर ओपनर है, ये लॉक का सिस्टम है, ये पकड़ने का, डोर बंद करने का, ये यहाँ पे शीशे खोलने की। और बैक सीट इसकी ऐसी है, सेम ऐसी दूसरी तरफ की, दूसरी तरफ का डोर पैनल है। पीछे आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, तो इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे एक ये बीच में थोड़ी सी उठी हुई है, बीच का हम्प भी है, ऐसे ग्रैब हैंडल दिखते हैं इसके। सीट बेल्ट आपको चारों उसके लिए मिलती है। ये इसकी जो सीट है पीछे वाली, ये फोल्ड हो जाती है कुछ ऐसे, और इसमें फिर बन जाता है बूट स्पेस बहुत बड़ा, जिसके अंदर आप कुछ भी अपना सामान लेके कैरी कर सकते हो। अब आपको दिखाते हैं इसकी डिग्गी, तो बूट में आपको कितना स्पेस मिल जाता है भैया। ऐसा कुछ इसका बूट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, जो कि पता नहीं किस लिए है, पार्सल ट्रे में लगी नहीं हुई। और स्टपनी इसके यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ये इसकी स्टपनी है MRF की। यहाँ पे जैक वैक रखे हुए हैं, ये इसकी किट है, और ये तार है इसके बेस ट्यूब के, पर बेस ट्यूब आप हटा दिए क्योंकि ये एक्सपायर हो गई गाड़ी, तो कर दो भाई बंदी से। तो ये था भाइयों 2006 मॉडल मारुति सुजुकी अल्टो का रिव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, और आगे कमेंट्स में बताइए कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।